वेलकम बैक टू चैनल नेम इज नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चीजें जो मैंने परचेस है एमेज से सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट तो ये कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किए थे एंड काफी अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है तो लेट्स let, तो सबसे पहले ये बहुत वायरल गया था ये एक एक फेस आइस रोलर है बहुत ही वायरल गया था एंड मैंने भी इसे परचेस कर लिया तो लेट मी शो यू कि ये कैसे दिखता है अंदर से तो ये कुछ इस तरीके से है ये यहां से ओपन होता है आप यहाँ इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं लाइक क्यूक्यम्बर हुआ एलोवेरा हुआ या कोई एसेंशियल ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं देन इसे आपको क्लोज कर देना है देन ये ऊपर से ओपन होता है एंड यहाँ पे होल है इसके अंदर आपको ऐड करना है पानी एंड डीप फ्रीज कर देना है फ्रीज करने के बाद आइस हो जाएगा एंड उसके बाद आप आपको आप इससे अप्लाई करना है आइस न लगाने से ऑब्वियसली आपके फेस को काफी बेनिफिट मिलता है बट आइस को पकड़ना उतना ही डिफिकल्ट टास्क होता है तो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी बजट फ्रेंडली इज वेल नेक्स्ट जो मैंने लिया है अगेन ये भी काफी वायरल गया था एंड मैंने भी ये परचेज कर लिया दिस इज एन एपिलेटर पेनलेस हेयर रिमूवल एक्सफोलिएशन तो जब हेयर रिमूवल की बात आती है वैक्सीन से मुझे डर लगता है क्योंकि पेन होता है एंड अगर ऐसा कुछ सोल्यूशन मिल जाता है तो सोने पर सुहागा एंड आई हैव ट्राइड इट एंड आई एम अमेज रिजल्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द अपियरेंस इज सो ब्यूटिफुल ये कुछ इस तरीके का है बहुत ब्यूटीफुल है वाइज इसे करना कुछ नहीं है जस्ट यहाँ पे ये यह थोड़ा सा रफ सरफेस है आई डोंट नो ये क्या है उसको क्या बोलते हैं, इतना टेक्निकल मुझे नहीं पता है बट ये थोड़ा रफ सरफेस है और जहां पे आपको हेयर ग्रोथ है वहां पे जस्ट आपको ऐसे ऐसे करके रब करना है एंड सारे ही है रिमूव हो जाएंगे एंड बिना कोई पेन के लाइक ये एक्चुअली वर्क करता है बिना पेन के हेयर रिमूवल है तो दिस इज द बेस्ट लाइक मेरा ऑल टाइम फेवरेट मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स में से सबसे बेस्ट परचेज है मेरा ये सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये आईब्रो के लिए एक स्टैम्प है तो ये कुछ इस तरीके का है दिस इज फ्रॉम हुडा गर्ल हेयर लाइन एंड इसके साथ दो स्पूली छोटी छोटी स्पूली फ्री आई है तो बेसिकली करना क्या है इट कम्स विद द स्टेंसिल तो ये कुछ इस तरीके के स्टेंसिल के साथ आता है ये आपको ऐसे रिमूव करना है इसे प्लेस करना है अपने आईब्रो पे तो जो स्टेंसिल आपके आईब्रो पे फिट हो रहा है वो आपको यूज करना है तो इसे ऐसे प्लेस करना है आईब्रो पे इसे ओपन करना है एंड जस्ट स्टैम्प करना है एंड आपकी आईब्रो बन जाती है तो दिस इज इन द शेड जीरो वन ब्लैक तो मेरी आईब्रो एकदम ब्लैक है आई थॉट ये डार्क ब्राउन आएगा बट ये ब्लैक आया इज नॉट अ बैड थिंग लाइक ये मेरे uh, मेरे फेस पे इतना ब्लैक भी नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी आईब्रो ऑलरेडी ब्लैक है तो इसके अंदर यहां पे कुछ है जैसे प्रोडक्ट ये लेता है आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे बना हुआ है बट ये एक्चुअली वर्क करता है ये देखिए तो ये स्टैम्प ऐसे छोड़ रहा है एंड देन उसे फिक्स करना है आपको स्पूली की मदद से तो स्पूली से उसे फिर इवन आउट कर देना है इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि ये मेरे पे कैसे वर्क कर रहा है नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो मिनिमलिस्ट का ये रेटिनोल सीरम लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अप्रिशिएट द पैकिंग दिस इज अ बॉक्स पैकिंग जो बहुत ही अच्छा मुझे अच्छा बहुत ही सॉफ्ट अच्छा, बहुत ही अच्छी पैकिंग लगी मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी पैकिंग देन दिस इज द जीरो पॉइंट थ्री परसेंट रेटिनॉल सीरम तो बिगनर फ्रेंडली है अगर आपने रेटिनॉल यूज नहीं किया है तो आप इसे यूज कर सकते हैं इसके इसकी कंप्लीट डिटेल कम्पलीट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी इफ यू वॉन्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में तो उसके उसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो शेयर कर दूंगी कि रेटिनल क्यूँ यूज करना है कैसे यूज करना है एंड एवरीथिंग इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्रॉपर स्टाइल बॉटल में है अच्छी लाइट वेट कंसिस्टेंसी है एंड या आई परचेज दिस सो नेक्स्ट जो है आई एक्चुअली रिग्रेट बाइंग सो दिस इज फर का एज रिवाइवल डे क्रीम विथ हाइलोरोनिक एसिड एंड सीरेमाइड तो ये कुछ इस तरीके का है पैकिंग बहुत अच्छी है लग्जूरियस है बट महंगा है क्योंकि ये बाहर से तो इतनी बड़ी बॉटल दिख रही है बट अंदर से इतनी बड़ी बॉटल नहीं है अंदर से हार्डली कुछ प्रोडक्ट है लाइक यू कैन सी वो भी कम्प्लीटली फील नहीं है अंदर का टप जो है बहुत छोटा है वो भी कम्प्लीटली फिल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग अच्छा है नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे कोई काम का ही नहीं है ये बहुत वियर्ड है कंसिस्टेंसी बहुत वियर्ड है मुझे तो समझ ही नहीं आई दिस इज अ डे क्रीम बट इसके अंदर मुझे मुल्तानी मिट्टी की बहुत खुशबू आती है लाइक like, कंप्लीटली मुझे ऐसा लगता है मुल्तानी मिट्टी ही है सिर्फ एंड उसे अप्लाई करने के बाद ये क्रीम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है लिटरली मैंने क्रीम की तरह अप्लाई किया बट ये फेस पैक की तरह काम कर रहा है लिटरली वैसे स्किन निकल रही थी मतलब वैसे पैक निकल रहा था ऐसे मैं कह सकती हूँ तो ये एक फेस पैक की तरह काम कर रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट है ये फेस पैक है या फेस क्रीम है आई डोंट नो आई कैन यूज इट एज अ फेस पैक क्योंकि ये एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी लग रहा है और कुछ भी नहीं तो आई जस्ट रिग्रेट बाइंग दिस आई डोंट लाइक इट एंड इट कॉस्टेड मे सिक्स फिफ्टी रूपीज कैन यू इमेजिन सिक्स फिफ्टी रुपीज का मुल्तानी मिट्टी मैंने परचेज कर लिया है मुझे ऐसा लग रहा है सो आई जस्ट रिग्रेट बाइंग दिस एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैंने ये रोल ऑन दिख चेक किया था रोल ऑन मैंने काफी ये इसका भी आ, ये भी वीडियो इसके भी वीडियोस इस बहुत वायरल हुए क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है तो दिस इज मिनरल ऑयल कंट्रोल एंड दिस इवन रोलिंग स्टोन तो ये आपके फेस से जो ऑयलनेस है वो ऑयली बना है वो उसे निकाल देता है विच इज अ ग्रेट थिंग लाइक कोई ऐसा वर्क करता है तो ब्लॉडिंग पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है फिर वो दिस इज हाउ इट लुक्स तो ये कुछ इस तरीके का बॉल है अंदर एंड इस जस्ट आपको इस तरीके से लगाना है अभी फिलहाल मेरे मुझे कोई भी स्वेट नहीं आया है तो पे वेदर भी बहुत अच्छा है बट ये कुछ इस तरीके से यूज करना है एंड यू कैन वॉश इट ऑल्सो विच इज अ ग्रेट थिंग तो या आई लाइक दिस ये कैरी कर लिया एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है बहुत छोटा सा है तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है तो बस ये कैरी कर लिया आपको ब्लॉटिंग पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है अगर स्वेट होता है गर्मियों के सीजन में शादियां होती है तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है और मेरे साथ बहुत लोगों का भी ये बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है

मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय